एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी या फोर ईज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम ये स्टडी करेंगे कि ये जो फोर ईज का जिक्र किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये कौन कौन से हैं, किस तरह से प्रोडक्टिव होते हैं और इनकी स्टडी से हम किस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, और जितने भी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी किए जाते हैं उसमें इन चारों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे ही नए लेक्चर्स आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जनाब, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चार ई जो हैं वो हमें बयान किए, जिसको फोर ईज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। उसमें नंबर वन है इकोनॉमी, नंबर सेकंड इज़ एफिशिएंसी, नंबर थर्ड इज़ इफेक्टिवनेस एंड नंबर फोर इज़ इक्विटी। इन चारों की जो कोर वैल्यू है, कोर वैल्यू क्या है, टू सपोर्ट एंड ड्राइव द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बुनियादी काम है वो क्या है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, कि लोगों को सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो प्रॉपर तरीके से की जाए, ये है उसकी कोर वैल्यू, और उसी के लिए हम इन चारों को आज स्टडी करेंगे। अब ये है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम उसमें ये है कि ये जो चार पिलर्स हैं हमने जो डिफ़ाइन किए अभी, इन चारों की हाइट बराबर नहीं है, कभी एक बढ़ जाता है कभी एक गिर जाता है, और ये डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके कंट्री की कंडीशन पर। लिहाजा जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको उसी टाइम डिसाइड करना पड़ता है जिस टाइम उनके सामने कोई प्रॉब्लम आता है। इस वजह से हम इसके लिए कोई सेट पैरामीटर नहीं बता सकते कि इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इक्विटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इफेक्टिव, यानी ये डिसाइड करना होता है पॉलिसी मेकर्स ने अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन दैट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी क्या है, यानी इकोनॉमी का मकसद क्या होता है। मकसद इकॉनमी का ये होता है कि द गेटिंग बिगेस्ट बैंक फॉर द टैक्स पेयर्स बक्स, लोकल ऑफिशियल्स मस्ट मैनेज स्केर्स रिसोर्सेज एंड फिगर आउट हाउ टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड सर्विसेज फॉर फ्यूएस्ट प्राइस। सबसे पहला और बुनियादी काम जो इकॉनमी से या इकोनॉमिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो ये है कि आप किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अर्निंग करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम तो वही होती है ना जो टैक्स पेयर्स की मनी है, और सेकेंडली आप रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे ताकि लोगों के ऊपर बर्डन को मिनिमाइज़ किया जा सके। अब आम तौर पे देखें ना, आजकल क्या सिस्टम ये है कि ज़्यादा टैक्स को बढ़ा दिया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, लोगों से ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन की जाए। ये ज़रूरत किस वक्त पड़ती है, ये उस वक्त पड़ती है जब आप अपने कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके इनकम जनरेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर आप कंट्री के रिसोर्सेज से इनकम जनरेट करनी शुरू कर देंगे तो लोगों के ऊपर बर्डन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे अगर आपका एग्रीकल्चर कंट्री है, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ज़र मुबादला आने लग जाता है, तो फिर आपको लोगों को बर्डनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके पास मिनरल्स पाई जाती हैं या रॉक्स हैं या और रिसोर्सेज हैं जितने भी हैं, जो भी ज़राए ऐसे हैं जो आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अगर आप उन पर प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो टैक्स पेयर्स की ज़रूरत नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ इकॉनमी एंड हाउ टू मैनेज इट। सेकेंड थिंग इज़ एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड गेटिंग द मोस्ट पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द फास्टेस्ट टाइम यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जल्द अज जल्द जो एंड रिज़ल्ट है उसको हासिल कर लिया जाए। मिसाल के तौर पे आप किसी भी प्रोजेक्ट को, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं कि जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के होते हैं और जल्द अज जल्द वो इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। आपके अब देखिए ना, पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो क्या है कि 5 साल एक हकूमत रहती है, लिहाजा आप जब भी आएँ, जिस साल भी आप आएंगे, आप 5 साल के प्रोजेक्ट लेके आएँ और उन 5 साल के जो टाइम स्पैन है उसके अंदर अंदर उनको पूरा करें। ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं, और ये आपकी गवर्नमेंट के टेन्योर के दौरान पूरे भी हो जाते हैं। हम शुरू के 2-3 साल तो ऐसे ज़ाया करके उसके बाद 5 साल या 10 साल के प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, वो अगर अगली गवर्नमेंट चाहती है तो उनको चलाती है, वरना वो ख़त्म हो जाते हैं। और वो क्या होता है कि प्लेंटी ऑफ लॉसेस, टैक्स पेयर्स मनी है ना, हमारा पैसा है, वो सारे का सारा ज़ाया हो जाता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। सो शॉर्ट टर्म्स प्लान अगर आप बनाते हैं, एफिशिएंसी एफिशिएंटली उनको आप प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ा देते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। अगली चीज़ है जनाब इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स मेकिंग अ प्लान दैट इज़ इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स। यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि जिस गोल की खातिर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि आपने ये नहीं देखना कि उसमें कितना एफिशिएंटली या कितना तेज़ी से आप चल रहे हैं,
ये भी आपने उसमें नहीं देखना कि इकोनॉमिकली कितना खर्चा आपका उस पर हो गया है और कितना उससे, आपने ये देखना है कि आपका गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, जिस मकसद के लिए आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था वो मकसद हासिल हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आखिरी चीज़ इक्विटी है, विच मीन्स दैट फेयर जस्ट एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है वो ये है कि आप इक्विटी को बरकरार रख सकें। इक्विटी क्या चीज़ होती है? इक्विटी ये होती है कि जो भी इलाका मिसाल के तौर पे बैकवर्ड है उसको आपने ज़्यादा फंडिंग करनी है, और जो इलाका बैकवर्ड नहीं है उसको कम करनी है, ताकि वो जो बैकवर्ड है वो इसके इक्वल आ जाए। अच्छा, इसमें हमारे जो पॉलिसी मेकर्स गलती करते हैं वो क्या है? वो ये है कि वो जब फंड्स इशू करते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, तो वो ये करते हैं कि जो बैकवर्डनेस है उसकी बेस पे फंड्स देते हैं। जनाब, आपका इलाका ज़्यादा बैकवर्ड है, आपको ज़्यादा फंडिंग की जाएगी। उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो इलाके हमेशा बैकवर्ड ही रहते हैं। ज़ाहिर है, ज़्यादा फंडिंग किसको बुरी लगती है? अगर आप इस चीज़ के बजाय मयार ये रखते हैं कि जो इलाका जितनी ग्रोथ शो करेगा उस परसेंटेज के हिसाब से फंडिंग की जाएगी, अब एक तरह का कंपटीशन शुरू हो जाता है। तमाम इलाके अपनी अपने रिसोर्सेज के हिसाब से शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, उस ग्रोथ की बेस पे आप उनको फंडिंग में से हिस्सा देते हैं। तो इससे ये होगा कि वो इलाके बैकवर्ड नहीं रहेंगे। ये जो 70-70 साल से कई इलाके आप देखेंगे, पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में हैं, केपी में हैं, वो बैकवर्ड है और वो बैकवर्ड ही हैं। हालांकि उनको फंडिंग की जा रही है, हर साल उनके जो रेशो या कोटा है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो बैकवर्ड रहते हैं। उसकी वजह ये कि आपने क्राइटेरिया बैकवर्डनेस रखा हुआ है। अगर वो बेहतर हो जाएंगे तो उनकी फंडिंग कम हो जाएगी, एंड नोबडी लाइक्स दैट। लिहाजा अगर आप पैरामीटर को ही चेंज करते हैं और आप ये कर दें कि आप ये कहें कि ग्रोथ जो जितनी ज़्यादा शो करेगा उतना ज़्यादा जो है वो उसको बजट दिया जाएगा, तो सिचुएशन बेटर हो सकती है। आखिरी हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझें, अदल और इंसाफ का फ़र्क, इक्वालिटी और इक्विटी का फ़र्क। इक्वालिटी मीन्स टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, वेयर एज इक्विटी मीन्स टू ट्रीट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर लेवल एज पर अ सेट स्टैंडर्ड। यानी इंसाफ का मतलब ये है कि आप कहते हैं ये चीज़ सबको दे दी जाए, गुर्बत है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है जी, एजुकेशन है वो सबको दी जाए। इक्विटी का मतलब ये है कि जो इंसान जो चीज़ डिज़र्व करता है उसको वही दी जाए। अदल का मतलब क्या है? कि जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतना दिया जाए। अगर आप ये देखते हैं कि कोई इंसान, यानी पहले तो आपको पैरामीटर सेट करने होंगे ना, जैसे अब इस्लाम ने हमें बता दिया कि पैरामीटर है तकवा, आप में से बेहतरीन कौन है, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन है, वो है कि जिसमें तकवा सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अब ये एक पैरामीटर है। इसी तरीके से आप ये सेट कर लेते हैं पैरामीटर कि पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या पैरामीटर होना चाहिए। इसी तरीके से जो मसलन है, आप कह सकते हैं कि बिज़नेस को रन करने के लिए क्या पैरामीटर होना चाहिए। ये जो पैरामीटर होगा इसको जो फॉलो कर सकेंगे उनको ही वो चीज़ देनी चाहिए जो उसका रिवॉर्ड है। ये होती है इक्विटी। इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी ये होती है कि आप सबको बराबरी की सतह पे देखते हैं और आप कहते हैं कि बहैसियत इंसान सब बराबर है, लिहाजा इनको बराबरी की सतह पर जो है वो बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो प्रोवाइड की जाए। तो ये था जनाब आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फोर ईज़ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी किया है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और ये जो हमारे मीडिया लिंक्स प्रोवाइडेड हैं इन पे भी हमसे रابطہ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।